अस्सलामुअलैकुम। फ्रीडम न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल अजीज़ लोकापल्ली। आइए, आज मैं आनंद नगर उर्दू स्कूल के सामने मौजूद हूँ। यहाँ पर साधना एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से जो है एक मुफ्त आँखों का इलाज का एक कैंप रखा गया है, जिसमें साधना एजुकेशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट आली जनाब यूसुफ बेपारी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने ये साधना एजुकेशन सोसाइटी कब से, ये सोसाइटी इनके रजिस्ट्रेशन है और कब से ये खिदमत इस तरह के अंजाम देते हैं और आने वाले दिनों में और इनके क्या प्रोग्राम्स हैं, इन्हीं की ज़बान सुनेंगे। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। के साधना एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के जानिब से हम लोग यहाँ पे फ्री आई चेकअप कैंप हमने रखा हुआ था, जहाँ पे हमें जयप्रिया हॉस्पिटल के जानिब से हमें एक मौका मिला कि फ्री चेकअप कैंप हम कर सके। तो उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा मौका देते हुए यहाँ पे कम से कम 190 तक हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट करने का मौका मिला और ट्रीटमेंट के साथ में 10 लोगों का ऑपरेशन करने का भी हमें इन्होंने मौका जाहिल अपनाइज किया। इसलिए हम जयप्रिया हॉस्पिटल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और पूरी टीम की तरफ से हम इनको शुक्रिया अदा करते हैं। और फ्रीडम न्यूज़ के जानिब से हम ये बात ऐलान करना चाहते हैं कि आज जो हमने प्रोग्राम किया ये यहीं पे हमारा ख़त्म नहीं होता। हम एजुकेशन हो या कोई भी गरीब मोहल्ले के बारे में कोई भी काम हो या खिदमत का काम हो, इस समय में अंजाम देने के लिए आगे रहेंगे। और आगे के साथ में हम जहाँ पे भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी अगर आँखों का प्रॉब्लम हो या फिर एजुकेशन का प्रॉब्लम हो या किसी चीज़ की अगर उनको प्रॉब्लम है, तो बेझिझक हमारे साधना एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी से आप रब्ता कर सकते हैं। ये साधना एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के टीम के जानिब से जो आज प्रोग्राम हुआ, इसमें खुसूसाने मेहमान नवाजी के, इसमें जो ख़ास मेहमान आए हुए थे इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एलगार साहब जो कारपोरेटर, अभी के कारपोरेटर हैं, उनका मैंने कितना भी शुक्रिया अदा किए उनका कम है। और उनके साथ में जनाब आरिफ बदरापुर का भी जितना भी शुक्रिया अदा करें उनका कम है, क्योंकि उन्होंने हमारा साथ दिया और हमारे साथ में ये किया और हमारे हिम्मत को अफजाई की। मैं आरिफ बदरापुर साहब का भी और इमरान एलगार साहब का भी और जमात अराकिन जो हमारी साथ दी, उसके साथ में यहाँ पे उर्दू स्कूल और करड़ा स्कूल वालों ने भी हमारा बहुत ख़ास से हमारा देखभाल करने की कोशिश की, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके साथ में जयप्रिया हॉस्पिटल वालों ने, हमने जब भी उनसे बात रब्ता की उन्होंने हमें ना करके कभी भी जवाब नहीं दिया। जयप्रिया हॉस्पिटल वालों का खास मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और उसके साथ जो हमें यहां पे रहने के लिए, ये करने के लिए जो मंदिर के जो पुजारी जी हैं, जो करियम्मा देवस्थान है, वो देवस्थान वालों ने स्वयं, ये ट्रस्ट कमेटी वालों ने भी हमारा बहुत साथ दिया। इन सभी की वजह से आज ये हम कैंप रख पाए, इसी का मैं शुक्रिया अदा करते हुए ये फ्रीडम न्यूज़ की तरफ से मैं एक शुक्रिया अदा उनसे भी कहना चाहता हूँ। जनाब अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ये फ्रीडम न्यूज़ वालों का सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें साधना एजुकेशन की तरफ से जो है एक मौका मिला, जयप्रिया हॉस्पिटल वालों ने एक मौका अच्छा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक मुबारक दिन भी है, शब बारात का दिन था, उस मौके पर कई लोग अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 100-150 से ज़्यादा लोग आए यहाँ पर, अपना चेकअप कराए, आँख का मुआयना कराया। उसमें साथ साथ तकरीबन 10 या 12 लोगों का ऑपरेशन के लिए इंशाल्लाह वो लोग जिम्मेदारी लिए हैं, मुफ्त में इंशाल्लाह होगा। और ये हमारे सोसाइटी का सिर्फ एक ही मकसद नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह और कई मकासद हैं। तालीमी मैदान में हम लोग काम करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स के मैदान में काम करना चाहते हैं, समाजी हालात जो आज हमारे हैं उसके बारे में इंशाल्लाह हम लोग गौर फिक्र करेंगे, उसके ऊपर हम लोग मेहनत करेंगे। आप तमाम लोग भी हमारी सोसाइटी की तरफ से और हमारे सोसाइटी वालों के लिए, हम तमाम के लिए दुआ खैर में याद रखें। इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में हम लोग और बढ़ चढ़ कर इंशाल्लाह काम करेंगे। मैं बस इतना कहते हुए अपने, अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आई चेकअप के लिए 180 मेंबर्स आके चेकअप कर लिए, उसमें अब तो 50 मेंबर्स को कैटरेक्ट आ गया है। ऑलरेडी हॉस्पिटल को भेजा है कि 15 मेंबर्स को भेजा है, ऑलरेडी ऑपरेशन के लिए भेजा है। अभी सुबह से साधना वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आज इस कैंप के लिए कैंप ऑर्गेनाइज करे थे और उनकी तरफ से बहुत सारे गरीबों को मदद हो चुका है करके बोलने के लिए मुझे अच्छा लगता है।